जैसे धन त्रयोदशी को तो कुबेर जी की उपासना करते हैं, और दीपावली को महालक्ष्मी जी की उपासना करते हैं। चतुर्दशी को किसकी उपासना की जाए, कौन से मंत्र किया जाए, कौन सा साधना किया जाए? तो चतुर्दशी को आपको पता होगा, ये धनतेरस शब्द जो है ये आप बोलना बंद कर दो पहले तो, ये 13, एकादश, 14, चौथ, हाँ ये सब शब्द अच्छे नहीं है। चतुर्थी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, एकादशी, पक्ष को पख कहना शुरू करते तो थोड़ा सा ये शब्दों के जो भी हम लोग जो उच्चारण गलत करते हैं, फिर इससे धीरे धीरे हमारे वाणी शब्द अशुद्ध होने लग जाते हैं, फिर मंत्र का उच्चारण करने में भी समस्या आ जाती है। तो वो जो दिन होता है वो होता है नरक चतुर्दशी बोलते हैं, कई लोग उसको काली चौदस भी कहते हैं। काली चौदस मतलब पता नहीं क्यों कहते, भगवान जाने, परंतु वो वास्तव में नरक चतुर्दशी है, और वो विशेष रूप से वो यमराज जी का उपासना का दिन मनाया। यमराज जी की भी उपासना होती है ताकि हमारे जीवन के जो रोग है, कष्ट है, कुछ श्राप है, अकाल मृत्यु यदि आपके भाग्य में लिखी हो, क्योंकि धन तो आ गया है, धन भोगने के लिए अगर तन आपका स्वस्थ नहीं है या आपकी अकाल मृत्यु हो जाए तो फिर वो सारी संपत्ति ऐश्वर्य बेकार है। तो आकस्मिक मृत्यु से बचने के लिए यमराज जी की उपासना की जाती है। यमराज जी के मंत्र भी होते हैं, और यमराज जी आत्मज्ञान प्रदान करने वाले भी गुरु के रूप में है। उन्होंने नचिकेता को उपदेश दिया था, तो ये आपको समझना है।